हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन अजम्पशन। पाउच्ड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव बाय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पाउच्ड मैमल्स मार्सुपियल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कैंगरूज की बात अगर हम करें तो आप देखते हैं पाउच्ड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव बाय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सर्वाइव किए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के हिसाब से। ठीक है, अब रीजन में दिया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। आप जानते ही हैं कि यहाँ पर कोई ऐसे है, ये कॉन्टिनेंट है और ड्रिफ्ट हुआ, दोनों अलग अलग हो गए ऐसे, और पाउच्ड मैमल्स आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है यहाँ। ठीक है, तो ये पाउच्ड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव बाय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये करेक्ट है। रीजन में दिया है इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम एनी अदर मैमल्स। तो यहाँ पर क्यों आप देखते हैं सर्वाइव कर गए, क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं था, कॉम्पिटिशन नहीं था उनके, कंपटीशन नहीं, कंपीट नहीं करना पड़ा, तो वहां लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से वो सर्वाइव कर गए। ओके, सर्वाइव करने में प्रॉब्लम कब होती है, जब कंपटीशन है, कंपीट करना पड़े, और आपसे ज्यादा फिट अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो वहां आपको कंपीट करके ग्रो कर गया, तो आप क्या करेंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और वो मैमल और वो पाउच मैमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कॉम्पिटिशन नहीं था तो ईजिली सर्वाइव कर गया, तो ये क्या हो जाते हैं, रीजन करेक्ट है, अजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं कि क्यों सर्वाइव कर गया। ओके, ऑस्ट्रेलिया में क्यों सर्वाइव कर गया ये भी बता दिया। बोथ अजर्शन रीजन आर टी ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन, ये करेक्ट है। बोथ अजर्शन रीजन आर टी ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अजर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, इनकरेक्ट है। अजर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू, इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यूएनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 117 पर गिवन है। थैंक यू।